हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी हालत तो आप देख ही रहे हो। दोनों की हालत कैसी हो रखी है? इधर आओ। तो बस वेलकम है आपका अपने चैनल में। सॉरी, वेलकम भी नहीं कर पाई। तो आज है फ्राइडे और वेडनेसडे को हम शादी से आए थे। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाई। ब्लॉग मतलब शादी का भी था, वो ही मैं एडिट करके नहीं डाल पाई। आज मैंने वो डाला है, कल मैंने एडिट किया था। और इसकी दादी भी आ गई थी हमारे साथ रात को ही, सुबह वो चले गए थे। बट ऐसा कुछ नहीं था कि दादी के सामने नहीं, बट मतलब एक तो शादी से आए 11 बजे हम पहुँचे थे, 11:15 बजे हम पहुँचे थे। फिर सो गए थे क्योंकि अगले दिन स्कूल था। स्कूल गए, हन्नू भी गए स्कूल, लेकिन हन्नू की बैटरी इतनी लो थी कल स्कूल में कि मैम ने उसे मना कर दिया। मैम ने कहा कि परसों, इसने मुझसे कहा कि मम्मी परसों भी इसे फीवर था कि स्कूल में जाके बैटरी चार्ज हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भेज देती स्कूल के, क्या पता, मतलब होता है ना दिमाग थोड़ा बढ़ जाता है। बट कल इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मैंने इसे कहा था, मैम से बोला कि मुझे फीवर हो रहा है। बोला आपने? इसने बोला मैम से। मैम ने कहा चलो सिक रूम चलो। इसने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। मैम ने कहा मुंह धुल लो। नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लेटा ही रहा ये कल क्लास में। तो मैम ने कहा कि अगर इसकी तबीयत सही नहीं रहेगी तो मत भेजना आप, इतना कोई वो नहीं है स्कूल का। बस इसने ये बात सुन ली और आज गया ही नहीं है ना। चीटिंग करी ना आज की ना। नहीं, हालत बहुत ख़राब है। फिर कल हम डॉक्टर चेंज किया हमने रात को। जिस डॉक्टर की दवाई से लगती ना, उन्हीं डॉक्टर के पास ले गए जो बचपन से दिखाते थे। फिर पहले तो हमने यही लोकल डॉक्टर को दिखा दिया था। तो ये है कि आज ठीक है, बट ये बुखार ना इतने ख़तरनाक है कि इनसे ना हाथ पांव टूट रहे। पहले आरव का ही ऐसा हुआ, अब आरव ठीक है, तो ये फिर अब मैं हाथ पांव पर टूट रहे। तो कल मैं भी रात को फिर दवाई लेके आई क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो बस अभी कल कपड़े भी नहीं धुले थे क्योंकि बृहस्पतिवार था कल, तो आज कपड़े धुले हैं अभी। मतलब सारा काम हो ही गया। टाइम कितना और होगा? टाइम और अभी 10:15 ही हो रहे हैं, 10:11 हो रहे हैं। तो काम तो नहीं पड़ी है। चलो सो जाए थोड़ी देर। सो जाए। आज ठीक है ये, बट आज गया नहीं, ये चीटिंग करी इसने हमारे शॉप। चीटर है ये, चीटर नहीं की मैंने, चीटिंग करी है। नहीं करी ये चीटिंग। तो फिर गए क्यों नहीं आप? और कपड़े भी इतने सारे थे क्योंकि शादी के भी थे, फिर डेली यूज वाले भी थे। तो कपड़े अभी मेरी साड़ी वॉश करने के लिए रख रखी है मैंने वहीं पे, शाम को करूँगी। सूट भी और साड़ी भी, उससे ना ऐसे नहीं रखा जाता बिना वॉश के। चाहे मतलब 2 घंटे के लिए पहनो पर वॉश करना है। कल बृहस्पतिवार था इसलिए नहीं करा, तो आज करूँगी, मतलब बाद में करूँगी। अभी धूप में ख़राब हो जाती है ना, तो इसी से वॉश कर लूँगी अपना वो मेहंदी में जो सूट पहना था वो भी और साड़ी भी। तो और आरव की कल तो हनु की छुट्टी है, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है। मज़े हो गए बच्चे के, आज भी 3 दिन की छुट्टी हो गई है। तो और आरव का कल हाफ डे भी नहीं है, पर कल मदर्स डे है शायद ना, तो मदर डे सेलिब्रेशन है, फंक्शन है कुछ। और 12:20 पे उसकी छुट्टी होगी। और हन्नू को भी मैं डॉक्टर को दिखाना था, उसके आईज वाले डॉक्टर को। तो बस कन्फ्यूज़न है, मैं बोल रही थी कि चलते हैं आज देहरादून, वहीं दिखा देंगे। फिर आरव बोले नहीं आप मेरे सारे फंक्शन ऐसे ही करते हो, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, एनुअल फंक्शन था, एक दूसरा एनुअल फंक्शन नहीं था, दीक्षांत समारोह पता नहीं क्या था, जो भी था, तो उसमें भी हम चले गए थे। तो बोलते नहीं आप ऐसे ही करते, तो फिर देखते हैं ऋषिकेश चले जाएंगे। 2 डॉक्टर हैं ना वो, एक ऋषिकेश में भी बैठते हैं, तो ये बोल रहे थे ऋषिकेश चले जाएंगे दिखाने के लिए। तो चलो जैसा भी होगा देखते हैं क्या। चलो बात। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए लड्डू। हनु खाना है? खा लो। नो नो नो, सांप जो ही है ना। तो मैं बताती हूँ ये किस चीज के लड्डू हैं। सो फ्रेंड, ये लड्डू है, आज 10th का रिजल्ट आया है। तो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, तो उनके बेटे का था और 94.6% आई है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उसका। मेरी फ्रेंड थी उसके बेटे का भी रिजल्ट था, और मेरी दीदी है उनके बेटे का भी रिजल्ट था, और एक यूट्यूब फ्रेंड, अरे भन्नु बंद करो दरवाजा, एक यूट्यूब फ्रेंड है उनकी बेटी का भी था। तो सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और सबको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। बहुत ब्राइट फ्यूचर की शुभकामनाएं आप सबको। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। बहुत अच्छा लगा
क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ का रिजल्ट अब तो ऐसे ही पता चल जाता है। पहले ना हमारे टाइम पे होता था कि भैया लोग रोल नंबर लेके रखते थे, रात को ही अक्सर रिजल्ट आता था तो रोल नंबर लेके रखते थे और फिर वो देखते थे। अखबार आता था 12 बजे रात को ना, तो अखबार आता था, अखबार में देखते थे। अब तो नेट से सब चीज़ सुविधा हो गई तो अखबार में देखते थे वो लोग, फिर उनके घर जाते थे जिनके बच्चों का रिजल्ट रहता था अच्छा रहता था, फिर वो पैसे लेते थे वहाँ से, फिर पार्टी वगैरह करते थे, मतलब ऐसा रहता। अब तो ये कि घर घर में नेट है सब, तो इतना वो नहीं रहता। तो पहले ये था, नेट तो हमारे टाइम पे भी आ गया था बट मतलब इतना नहीं था, मतलब कि रात को जैसे फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास नहीं थे, मतलब ये सब था ना। तो अच्छा लगा है सब ये देख के, मतलब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। तो लड्डू ये है, अभी फ़िलहाल लड्डू लाए हैं, वैसे दीदी पार्टी कराएंगी क्योंकि ऑब्वियसली बनता है 95%, कोई छोटे वो नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, भी मेहनती है लड़का, बहुत पढ़ता है वो, मतलब बाहर से उसे कोई मतलब नहीं, पढ़ता ही रहता था दिन भर। तो अच्छा लगता है क्योंकि जो बच्चे इतनी मेहनत करते फिर उनका रिजल्ट अच्छा रहे तो और अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। तो जितने भी बच्चे थे तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कंडीशन ही मेरी बहुत ख़राब हो रही है, तबीयत। दिन में अरहर की दाल चावल बनाए थे, मतलब आप लोग सोचो जितना मैं खाना बनाती थी उसके आधा मैं बना रही हूँ और वो भी बच रहा है। हन्नू बिल्कुल नहीं खा पा रहा, हन्नू के गले में ना दर्द हो रहा है, इसमें ये जो फीवर चल रहे हैं भी वायरल चल रहे हैं, इस पर गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है तो घुटा नहीं जा रहा है घुटा, तो फिर खाना कैसे खाया जाएगा। तो बस आरब और आरब के पापा ही हैं खाना खाने वाले, हम दोनों से तो खाया नहीं जा रहा है। और मैं ना ज़बरदस्ती खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कोविड में मेरे साथ क्या हुआ था बिना खाए, तो इसलिए ज़बरदस्ती खाना खा रही हूँ कि मेरी इम्यूनिटी डाउन ना हो, बट खाया नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो चलो मिलती हूँ बाद में आपको। तो सबके फैलानी है, मतलब जिनमें काम है वो भी तार निकालनी है, जिनमें काम नहीं है वो भी निकालनी है, और एक अंदर। इसलिए तो यहाँ बिल्कुल ही गर्दी मचा रखा। साड़ी मेरी देना बेटा, मैं साड़ी धुल देती हूँ, हमने इधर देना वो धुल देती हूँ। और आप चीटर बॉय तो साड़ी वगैरह धुल देती हूँ मैं अपनी। अभी साड़ी इतनी लंबी होती है, ये दो और वो दो, वो भी दो, वो सूट दो। अरे बिस्तर साफ करो आप, ठीक है, नीचे उतरो और बिस्तर खींचो, जैसे गंदा किया वैसे ही साफ करो। चलो चीटर बॉय, चद्दर सही करो। हाँ तो ये अब हमारी बेडशीट है, हाँ डालो यहाँ, डालो चारों तक के यहाँ डालो, बोतल हटाओ और चादर, सिर्फ चादर क्या करनी, सिर्फ नीचे उतर के खींचनी है। रख डाल दो, इसको भी डालो। अब नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, हाँ उतरो नीचे। अब उधर से जाओ, उधर से किनारे से जाओ, खींचो चादर, खींचना मतलब आराम आराम से, ठीक है। हाँ ऐसे, वेरी गुड, ऐसे इधर से भी खींचो। अब इधर इधर से जाओ, साइड से जाओ इधर से। हाँ अब इधर से खींचो, ऊपर ऊपर करो, हाँ वेरी गुड। तो बेड अब तक क्या रख दो, ठीक है, अब बेडशीट ठीक हो गई, अब पिलो रख दो, मैं साड़ी धुलती हूँ। तो पानी डालूंगी मैं, इजी डालूंगी, इतनी नहीं डाली, इजी ये डाल रही हूँ। इजी ना अच्छे से साफ हो जाती है, मतलब ये हार्ड वाटर। चलो मैं पहले मिक्स, तो भिगा दी है मैंने सूट भी और साड़ी भी, 5 मिनट रहने दूंगी, उसके बाद निकालती हूँ पानी से। तो कपड़े मैंने पानी से निकाल लिए हैं और थोड़ा इनका पानी निकल जाएगा तब मैंने डालती हूँ सुखाने। सो फ्रेंड, धुल दिए हैं मैंने कपड़े और अब इनमें चिमटियाँ लगा देती हूँ, इनमें साड़ी में तो लगा दी बट अभी ये सूट वगैरह में नहीं लगाई है। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।